लाडवा विधायक पवन सैनी ने 19 अगस्त को लाडवा हलके में होने वाली जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बाबेन सेतर के दर्जनों गांव का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा लाडवा हलके में करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में लाडवा हलके में विकास की गंगा बही है। उन्होंने कहा कि लाडवा हलके के लिए हलके के गाँव के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में भारी वोट से नायब सैनी को जिता कर भेजा है, इसी प्रकार विधानसभा चुनाव में फिर से गांववासी कंप्यूटर सा फेर दियो। उन्होंने कहा कि 19 अगस्त को होने वाली जन आशीर्वाद यात्रा रिकॉर्ड तोड़ेगी और एक इतिहास लिख जाएगी। जी विधायक जी, क्या कार्यक्रम? देखिए, लाडवा विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा के चुनाव के दौरान लगभग 83,176 वोट दे करके भाई नायब सिंह जी यहाँ से जिता करके भेजा, और खासकर लाडवा विधानसभा क्षेत्र लगभग 46,000 की लीड से भाई नायब सिंह जी थे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में 9 विधानसभा क्षेत्र होते हैं और सांसद महोदय जो बने हैं, जो उम्मीदवार होता है, सभी गांव में नहीं जा पाते, लेकिन कुछ गाँव में पहले भी आए हैं वोट के अपील करने के लिए, लेकिन मैंने जान जन गांव में नहीं गए, मैं भी वहां जा कर के वोट की अपील की थी, लेकिन अब भी मैं भी अपना दायित्व समझ करके सब गांव में जा रहा हूं, लेकिन सौभाग्य से क्योंकि अभी तो 7 तारीख तक सेशन चला लोकसभा का, तो हमारे जो नव निर्वाचित MP साहब हैं नायब जी, उन्होंने समय दिया अभी 13 तारीख को मेरा समय रखो, मैं भी धन्यवाद करने के लिए आऊँगा। आज इसी कड़ी में हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद भाई नायब सिंह सैनी जी, आज की जो 13 तारीख की जन धन्यवाद दौरे की शुरुआत हम गांव बैलमपुर से करने जा रहे हैं। 19 अगस्त को मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा है, उसका क्या कार्यक्रम? लोगों में बहुत उत्साह है, चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हरियाणा में यात्रा के माध्यम से आएंगे, और 19 तारीख को इस अगस्त में रादौर विधानसभा क्षेत्र से लाडवा हलके में प्रवेश करेगी, और मेरे हलके के लोग जो है ना बिल्कुल भारी संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी का बवैन में स्वागत करेंगे और लाडवा में स्वागत करेंगे। एक इसी गांव के किसान का आरोप है कि बिजली विभाग के कर्मचारी उनसे पैसे मांग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई कर्मचारी मुझे बताइए पैसे मांगता है तो ये तो रामराज हो रहा है इस समय। ये बवैन ब्लॉक के अंदर 24 घंटे बिजली है, नहीं तो हुड्डा के राज में बैटरियों के पंखे आ गए थे, सबके घरों में पता ही इन्वर्टर होते थे, आप भूल गए हमारी बैटरी ठीक है कि नहीं है, 24 घंटे बिजली।